मिसल बोले तो जीवन का सार है वो। अच्छा जी, कंप्लीट फूड है, बैलेंस फूड बोलते हो। ओके ओके। स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स होने के बाद आज आप जो मिसल खाएंगे वही एक साल बाद टेस्ट मिलेगा। क्या स्कूल है, आके बच्चे नाश्ते के टाइम इधर आते हैं, दोपहर का खाना घर पे जाके खाते। अच्छा अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग खवैया नासिकर, ऑल खवैया आपका वेलकम, हार्दिक स्वागत। थैंक यू। मिसल पाव के लिए आपको हार्दिक आमंत्रण। अच्छा जी, तो वैसे आपका नाम क्या सर? मैं अमोल अशोक सोनोने, हमारा बंधु विशाल अशोक सोनोने। अच्छा, ये हम दोनों भाई मिलके संभालते हैं। ये वारसा हमें हमारे पिताजी से मिला है। अच्छा अच्छा। मिसल पाव 1974 में चालू किया। ओके। पहले हमारा गाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर था। अच्छा। अभी ये गाड़ी आज के इसमें अशोक स्तंभ नासिक हार्ट ऑफ सिटी इसमें, यहाँ पे हम मिसल पाव देके जन सामान्य लोगों की सेवा करते हैं। अच्छा, तो हमें ना नागपुर से आ रहे, हमारे यहाँ ना तरी पोहे बहुत होते हैं ब्रेकफास्ट में, तो एक्चुअली मिसल पाव होता क्या, मिसल में क्या होता है एक बार आप वो बता पाएंगे? मिसल बोले तो जीवन का सार है वो। अच्छा जी, कंप्लीट फूड है, बैलेंस फूड बोलते हो। ओके ओके, तो क्या क्या डालते हैं वैसे उसमें? ये बनाने की विधि होती है, अभी ये कस्टमर चलते पर खत्म होता है, ये मसाला होता है, ये मसाले इसमें डालेंगे, मसाला डालेंगे इसके साथ, ये तरी डालेंगे, तरी आएगा, तरी के बाद उसमें मसाला है, मसाले के बाद मसाले के बाद ये स्प्राउट्स होता है, ये बॉईल किया हुआ स्प्राउट्स होता है, ये इसमें आएगा बॉईल, प्योर बॉईल धनिया हल्दी के साथ बॉईल होता है, उसमें नमक नहीं डालते, ये स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स होने के बाद रस्सा बनता है, ये ऐसा रस्सा बनता है, रस्सा बनता है, ये रस्सा होने के बाद इसको बॉईल करने का, 2 मिनट रखेंगे बॉईल होगा, मिसल रेडी। इसमें होममेड स्पाइसेस होते हैं, होममेड स्पाइसेस होते हैं, मसाला होता है, टेस्ट और जो उसका स्वाद होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं आता। मतलब कोई अगर साल के पहले दिन पे आ रहे हैं, साल के आखिरी दिन पे आ रहे हैं, हर बार सेम टेस्ट। हमारे हम रिक्वेस्ट करते हैं आज आप जो मिसल खाएंगे वही एक साल बाद टेस्ट मिलेगा। क्या बात है, ये अभी कंप्लीट है? हाँ, ये कंप्लीट हो रहा है, बस बॉइल होगा अभी। अच्छा जी, मिसल में आता है सबसे पहले आता है ग्रेप यार्ड करके मिसल है, उसके साथ आता है साबुदाने का खिचड़ी। अच्छा, उसके साथ आता है गाठिया, गाठिया के साथ आता है एक नंबर का सेव, जो ये एक नंबर का, एक नंबर उसमें नंबर होता है, उसका कुछ अलग बात होता है, उसका रेसिपी उसका टेस्ट अलग आता है, गाठिया खस्ता रहता है वो तुरंत, ये तो ये एक नंबर का सेव, एक नंबर का सेव। और क्या डालते हैं उसके साथ? आता है स्प्राउट्स, मोड़ आलेला कडधान्य, जो बहुत पौष्टिक होता है, प्रोटीन का नेचुरल स्रोत होता है। स्प्राउट्स के साथ आता है चौली, चौली चौली। अच्छा, चौली के साथ आता है हरभरा, हरभरा आता है उसमें, हरभरा रहता है, हरा मूंग रहता है, कंप्लीट बैलेंस फूड होता है। जो पोहा आता है उससे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो स्प्राउट्स आते हैं उससे प्रोटीन आते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं, ये रस्सा होता है, ये हमारा होममेड मसाला होता है। अच्छा, ये हमारा 500 तो ऐसे कंप्लीट होता है, ये मिसल ऐसे कंप्लीट होता है। और पाव के साथ सर्व करता है, जिसको तीखा लगता है, जिसको एसिडिटी होता है उसके लिए दही होता है, दही भी डाल सकते हैं। जिसको तेज चाहिए उसको होममेड मसाला होता है। अच्छा, ये मसाला होता है। क्या बात है, 500 मसाला होता है। अच्छा, ऐसे तो क्या प्राइस रहते हैं अपने यहाँ एक का? ऊपर तरी आता है ऐसे, ये बनता है, बन के तैयार होने के बाद उसके साथ आता है अभी उसके साथ आएगा पहले तो आएगा प्याज। अच्छा। उसके साथ आएगा नींबू, उसके साथ आएगी मिर्ची, उसके साथ आएगा ढोकला। अच्छा, ढोकला भी इसके पास आएगा, ये हमारी खासियत है, इसके बाद आएगा। अच्छा, ये सब क्या मिलते हैं अपने यहाँ? प्रेजेंटेशन, उसके बाद आएगा पापड़, उसके बाद आएगा दो पाव, ये सब पूरा मिला के हम लोग देते हैं 55 रुपए में।
अरे वाह यार, मतलब 55 रुपए में एक फुल टू ब्रेकफास्ट। फुल टू क्या बात, ब्रंच हो गया, ये ब्रंच हो गया। आप भी यहाँ पे काफी आते हैं? बहुत बार आया हूँ मैं तो। आप सबको सजेस्ट करेंगे? अच्छा जी, कितना अच्छा है, बेस्ट है यहाँ का? अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बहुत सालों से खाता हूँ। अच्छा जी, चलिए थैंक यू। यहाँ पे स्कूल है, आके बच्चे नाश्ते के टाइम इधर आते हैं। अच्छा, दोपहर का खाना घर पे जाके खाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है। ये देखो जी, ये बन रही है, ये सेव रस्सा है। अभी जिनको स्लॉट्स में चलते उनके लिए सेव रस्सा करते हैं, समोसा रगड़ा करके, समोसा क्रश करके उसमें पोहा डालते हैं, इंग्रेडिएंट आता है उसमें, सेव डालेंगे उसमें, स्प्राउट्स आता है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए ही स्प्राउट्स आएगा, उसके बाद रस्सा आएगा, उसके बाद प्याज आएगा, उसके बाद दही आएगा, उसके बाद पुदीने का चटनी आएगा। ये नाम मात्र 20 रुपए में आपको देते हैं। ऑल महाराष्ट्र में ये अपने सिवा कहीं नहीं मिलेगा, स्कूल के बच्चों के लिए खाली 20 रुपए में। तो ये देख लीजिए जी, हमारा मिसल पाव यहाँ पे बन के रेडी है। जगह का नाम है ओम बजरंग मिसल पाव, नासिक में ही। हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।